हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्राफ्ट ताक्षवी। अभी कुछ दिनों पहले ही नवरात्रि का फेस्टिवल था और आप सब ने मिरर वर्क तो किया ही होगा, तो बहुत सारे मिरर बचे भी होंगे, तो क्यों ना उसी को यूज़ करके आज हम दियास डेकोरेट कर लेते हैं। हमने ये सुंदर सा दिया कैसे डेकोरेट किया है इसके लिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। तो चलो बनाते हैं। मैंने लिया है ये मिट्टी का दिया जिसको मैंने पहले ही धो के अच्छे से सुखा लिया है। अब मैं इस पे सबसे पहले वाइट कलर कर रही हूँ। आप जैसो चॉक पेंट जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो अप्लाई कर सकते हैं। हम वाइट बेस इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारा जो कलर है वो उठ के दिखे। हम अंदर से बाहर से साइड से हर तरफ से ये कलर कर लेंगे। मैं ये वाइट बेस अब अच्छे से कुछ देर सूखने के लिए छोड़ दूंगी। ये वाइट कोटिंग अब अच्छे से सूख चुकी है। अब आपको जो कलर करना है वो आप इस पर कर सकते हैं। मेरे पास ऑरेंज कलर है तो मैं ऑरेंज कलर कर रही हूँ। आप कोई अगर डार्क कलर्स यूज़ करते हैं तो उस पर भी ये बहुत अच्छा दिखेगा। पेंट की बहुत ज़्यादा मोटी परत ना चढ़ाएं, नहीं तो इसकी पपड़ियाँ छूटने लगती है। ये पूरा पेंट होने के बाद आप इसे भी ड्राई होने के लिए रख दीजिए। ये पेंट पूरी तरह से अब सूख चुका है। अब हम आगे इस पे कुछ भी स्टिक करके अपना दिया डेकोरेट कर सकते हैं। मैं अब अलग अलग शेप के कांच के टुकड़े स्टिक करके इस दिया को डेकोरेट करूंगी। स्टिक करने के लिए आप कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू यूज कर सकते हैं। मैं अंदर ये डायमंड शेप वाले कांच के टुकड़े स्टिक कर रही हूँ। मैं जब तक ये कांच के टुकड़े स्टिक कर लेती हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जाके आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे और भी ऐसे वीडियोस आपको तुरंत मिल सके इसके लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले। इस डायमंड शेप कांच को मैंने दिया के बेस में पूरे राउंड में स्टिक कर लिया है। मैं यही कांच के टुकड़े साइड में भी स्टिक कर रही हूँ। बेस में ये जो फ्लावर बनाया है इसके सेंटर में एक छोटा सा राउंड शेप का कांच स्टिक कर रही हूँ। अब मैं राउंड शेप और ड्रॉप शेप वाले कांच लेके उसे फ्लावर के शेप में यहाँ स्टिक कर रही हूँ। आपके दिया के स्पेस के हिसाब से और कांच के साइज के हिसाब से ये चेंज हो सकता है। मेरे दिया में यहाँ 5 फ्लावर्स बने हुए हैं। अगर आपका दिया बड़ा है तो इससे ज़्यादा बन सकते हैं, अगर छोटा है तो इससे कम बन सकते हैं, यह आपके दिया के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं ये पेटल शेप के कांच ले रही हूँ। इसे मैं दिया के ऊपर साइड में थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे स्टिक कर रही हूँ। ये 3D आउटलाइनर्स की हेल्प से मैं बाकी डिज़ाइन अब कंप्लीट करूंगी। आप चाहे तो इन्हें इतना ही डेकोरेट करके यूज़ कर सकते हैं, पर मैं इसमें इस आउटलाइनर की हेल्प से छोटे छोटे डॉट्स बना के इसे और डेकोरेट करने वाली हूँ। इस फ्लावर में मैं छोटे छोटे डॉट्स बना रही हूँ। इस सर्कल में मैं और डॉट्स बना रही हूँ।
इन डायमंड शेप के टिप्स पे भी मैं ये छोटे छोटे डॉट्स बना रही हूँ। अब इन पेटल्स के पास भी हम थोड़े बड़े डॉट्स बना लेते हैं। यहाँ साइड में भी हम छोटे छोटे डॉट्स बना के इसे फिनिश करेंगे। हम अब इन्हें अच्छे से ड्राई होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो हमने इस रखे हुए कांच से अपना बहुत ही सुंदर दिखने वाला दिया अब तैयार कर लिया है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और तुरंत नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिए। थैंक यू।